तो आइए दोस्तों, आज हम फिर एक नई शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानते हैं। बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक है ये, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी मुझे ऐसे उम्मीद है। तो आज की शॉर्ट ट्रिक क्या है हम लोग देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस पर इसे अप्लाई करते हैं ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन है 3 sin theta - 4 sin theta = 1 है, तो आपसे पूछ दिया गया 4 sin theta + 3 cos theta का आंसर क्या होगा, आपको बताना है। आपको हो सकता है अगर ये आप बेसिक तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो ये 3-4 मिनट ले लेता है कम से कम, लेकिन हम आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं कि ये क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे, ओके। इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को देखें और इस वाले क्वेश्चन को देखें, इन सभी क्वेश्चंस को आप 10 सेकंड्स में ही सॉल्व कर सकते हैं। आज की जो ट्रिक है आपकी बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। तो आज हम इसे पूरा सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपने अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें लेकिन इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के तक ये सब जब वीडियो पहुंचते हैं तो सभी बच्चे इससे लाभ उठाते हैं, ठीक है। तो आप खुद पढ़ें और दूसरों के लिए भी ये शेयर करें, दूसरे लोग भी इन ट्रिक्स के बारे में जान सकें और हमारे चैनल से जुड़ सकें, ठीक है। क्योंकि हमें इस समय आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलो अपनी ट्रिक की दुकान स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन प्रकार के क्वेश्चंस में कौन सी ट्रिक हमें इस्तेमाल करनी होती है हम जान लेते हैं। देखिएगा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले a sin theta + b cos theta = m, और ये वैल्यू दिया है और आपसे पूछ दिया गया b sin theta - a cos theta क्या होगा, ओके। इस प्रकार का सवाल पूछा गया। अब इसका अर्थ समझिए जरा, मतलब a sin theta + b cos theta = m दिया है। अब की बार cos और sin का जो कोफिशियंट था वो बदल दिया गया है, यहाँ पे b था cos के साथ, यहाँ पे b को sin के साथ कर दिया है, और a sin के साथ था तो a को cos के साथ कर दिया गया है। बीच वाला जो निशान है इसको भी चेंज कर देना है। अगर ऐसा वैल्यू आपसे पूछता है, ऐसे ही पूछता है एग्जाम में, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना होता है, बस एक फॉर्मूला आप याद रखें, a² और b² का जो सम होता है वो इक्वल होता है m² और n² के सम के इक्वल। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पर n अभी के लिए लिख लेते हैं, कि हमें पता है कि a b यहाँ पे होते हैं, b a हो इधर उधर होगा कोई टेंशन नहीं है, m n है, तो a² और b² का सम इक्वल होता है m² + n² के। ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, और इस ट्रिक को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे अभी हम लोग सीखते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर ये ट्रिक पसंद आए तो भैया लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। भाई शेयर हम आपसे मांगते हैं, ठीक है, शेयर ज़रूर करिएगा और हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। तो चलो देखते हैं इस ट्रिक का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग करते हैं। इसमें क्या है, a² + b² = m² + n², ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया यहाँ पे a है 1, 3 और b है 4, देखो इधर उधर प्लस माइनस होगा, यहाँ नीचे प्लस है ऊपर माइनस, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। साइन इधर हो या उधर हो कोई टेंशन नहीं है, जैसे इसमें कॉस पहले दे दिया, साइन इसमें दे दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है आपका, सब तब भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, a² = 3 कर देते हैं, b² = 4 कर देते हैं, बराबर में 1, और ये वैल्यू अगर निकालना है, इसको हमने एक्स मान लिया कर दिया, तो ये एक्स का स्क्वायर कर लिया हमने, ठीक है। 3, 4 जोड़ेंगे 9 और 16 25 हो जाएगा, और ये 1 इधर आएगा माइनस का, बराबर में x², अर्थात x² = 24 होगा, और x बराबर में √24 को आप क्या लिख सकते हैं, ±√6, ठीक है। तो आराम से हमने इसे 10 सेकंड के भीतर निकाल लिया है। विद इन 10 सेकंड्स आप भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, आपको इसका वर्क करके जोड़ने घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, बस इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, इसका इस्तेमाल आप जरूर सीखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टाइम बचाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम हॉल में बैठ करके, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक
आपके लिए है। यही ट्रिक का इस्तेमाल हम इस वाले क्वेश्चन में भी करने वाले हैं। जस्ट देखते हैं, यहां पे कोफिशियंट 1 था, यहां पे भी 1 था, तो ये कोफिशियंट 1 यहां पे आ गया, इसका 1 यहां पे चला गया, ऐसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम कोफिशियंट था तो कोई दिक्कत नहीं है। निशान केवल चेंज हो गया है और इसका वैल्यू पूछ दिया गया है। ये भैया यहां पे m है और यहां पे मान लिया n होगा, तो a स्क्वायर मतलब 1 यहां पे कोफिशियंट है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर 1 होगा। यहां पर हम रूट 2 कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक प्लस में एन स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब आपको यहां पे क्या करना है, ये तो 2 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर कर लेते हैं, तो एन स्क्वायर बराबर में 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा भैया, एन स्क्वायर बराबर में 2 कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये हम कर रहे हैं, आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, 2 कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो इसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 साइन थीटा आ जाएगा आंसर। बहुत आसान है, बस हम तो करके दिखा रहे हैं ना। तो एन स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा भैया, 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, भैया स्क्वायर हटाएंगे रूट जाएगा, इधर n का वैल्यू आएगा रूट में 2 और साइन थीटा, तो ये आ गया हमारा दूसरा इसका आंसर, रूट 2 साइन थीटा। विद इन 10 सेकंड्स में आप कर सकते हैं, मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। यहां पे पहली बात कॉस आ गया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, कुछ भी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, फिर भी नहीं है, फिर भी आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसकी अपेक्षा जैसे आप वो ट्रेडिशनल मेथड जो लगाते हैं उसकी अपेक्षा आपको बहुत ही कम समय लगेगा, ठीक है। तो बहुत ही गजब की ये शॉर्ट ट्रिक है, पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, कमेंट करके भी बताइए भाई, क्योंकि आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं ना उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के सामने ऐसे ही आपके लिए ट्रिक्स लाते रहेंगे। और हर एग्जाम के लिए, आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, नेवी की कर रहे हैं, एसएसआर की कर रहे हैं, हर प्रकार के एग्जाम्स के लिए हम आपके लिए ट्रिक्स लाते रहेंगे। और बहुत ही जल्दी पूरी की पूरी प्रॉपर क्लासेस चलने वाली हैं, तो आप यहां पर विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको सारी की सारी क्लासेस मिलती रहें, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, इस पर भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। भैया यहां पे x है और अब की बार x का मान पूछा है, इधर वाले वैल्यू दिए हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास ट्रिक है 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यही तो करना है। चलो इधर लगा लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 9 उधर जाएगा, 9 खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में 4 आया, तो एक्स बराबर में भैया प्लस माइनस 2 आएगा, इट इज द आंसर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से यहां पर प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। क्यों नहीं कर सकते हैं वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पर कॉस और साइन अधिकतम वैल्यू होता है माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है। तो 1 1 होगा, प्लस का 1 हो सकता है, दोनों का 1 तो हो नहीं सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम केवल 2 कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को भाई शेयर जरूर करिएगा, कम से कम 2-3 लोगों के पास आपको शेयर करना है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे शेयर जरूर करिएगा। फिर हम मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ में अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।